हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ प्रीति और आज के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने पेपर और परीक्षा तैयार हो जाए आज के करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। तो हम जो करंट अफेयर्स लाए हैं क्विज टाइप में, उसमें क्वेश्चन होंगे, उसके चार ऑप्शन होंगे। आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ साथ जरूर मैच करें। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन बताने के बाद जो आंसर सही सही आंसर बताते हैं, ऑप्शन बताते हैं, उसके बाद जो है जो डिटेल में नोट होता है उसे आप जरूर लिखें, जिससे आपको करंट अफेयर्स की तैयारी में बहुत हेल्प होगी। तो हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो आजकल जो हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं उससे रिलेटेड हैं, उसी पर बेस्ड है हमारा करंट अफेयर्स। और तो हम क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अन अकेडमी कुछ प्रोसेस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सेव मोर ऑन कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, गेट 10,000 ऑफ ऑन ऑल आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, गेट 5,000 ऑफ ऑन ऑल प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। और ये ऑफर जो है 25 फरवरी 2022 तक अवेलेबल है, वैलिड है। तो कुछ ही घंटे बचे हुए इस ऑफर के लिए, तो आप उस ये दिन ख़त्म होने से पहले इस ऑफर को जो है इसका जो है जरूर लाभ उठाएं और इसमें जरूर सब्सक्रिप्शन ले लें। तो आप देख सकते हैं आइकॉनिक कॉम्बो में फ्लैट 10,000 ऑफ है। और हमारा अगर आप एजुकेटर कोड यूज़ करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओनली UPSC 10, तो आपको और 10% ऑफ हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। 12 मंथ्स के लिए आइकॉनिक कॉम्बो आपको 16,094 रुपीज़ पे करना है। 18 मंथ के लिए आपको 67,716 रुपीज़ पे करना है। 24 मंथ के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 99,166 रुपीज़ पे करना है। और 36 मंथ के लिए आपको 1,33,466 रुपीज़ पे करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑफ़र के बाद जो है, ऑफ़र से पहले इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी और ऑफ़र के बाद से प्राइस काफ़ी कम हो गई। तो आप इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। प्लस कॉम्बो में आप देख सकते हैं फ्लैट 5,000 ऑफ है और हमारा एजुकेटर्स कोड यूज़ करने पर आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 मंथ के लिए आपको 51,021 रुपीज़ पे करना है। 18 मंथ के लिए 59,398 रुपीज़ पे करना है। 24 मंथ के लिए 73,161 रुपीज़ पे करना है। और 36 मंथ के लिए 89,541 रुपीज़ पे करना है। तो आपको जो भी सब्सक्रिप्शन सही लगता है, जो भी आपके बजट में है, आप उसमें जो है सब्सक्राइब कर लें। तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल करके इस ऑफर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 8585858585 ये नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपको इस ऑफर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, UA Lite प्रीलियम CSAT एंड टेस्ट सीरीज न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है। ओनली इंट्रोडक्टरी ऑफर है, 50% ऑफ होगा इसमें, वैलिड टिल 20th February 2022। तो मतलब 28 फरवरी तक जो है ये ऑफर वैलिड है। तो आप इसमें 28 फरवरी के पहले जल्द से जल्द इसमें सब्सक्राइब कर लें। इसमें 3,000+ UPSC एस्पिरेंट्स टेस्टर्स, 6 मंथ सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्टरी प्राइस 3,149 रुपीज़ है, जिसमें 28 आपके टेस्ट होंगे, 20 GS टेस्ट होंगे और 8 CSAT टेस्ट होंगे। 20 GS में 16 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुली सिलेबस टेस्ट होगा और 8 CSAT में आपके 4 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुली सिलेबस टेस्ट होंगे। ये 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए ये है ऑफर। और 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस है 4,409 रुपीज़, जिसमें 56 टेस्ट होंगे, 40 GS एंड 16 CSAT टेस्ट होंगे। 40 GS में आपके 32 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 8 फुली सिलेबस टेस्ट, 16 CSAT में आपके 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 8 फुली सिलेबस टेस्ट होंगे। तो इस जो टेस्ट सीरीज है इसमें आप जो है सब्सक्राइब करें और अपने आप को टेस्ट करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो है UPSC की तैयारी कैसी हुई है। और आपको जो भी डाउट होगा सारे जो है हमारे एजुकेटर्स आपकी सारे डाउट्स को जो है क्लियर करेंगे, आपको सारा जो भी सिलेबस है वो आपको पूरा करवाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, UPSC CSE बैचेस जो है 2022 और 2023 की प्रिपरेशन के लिए 25 फरवरी 2022 से शुरू हो रही हैं। तो आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर लें। 20 GS बुक्स आपको अवेलेबल होंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से। तो आप जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में आपको बुक मिल जाएगी। हिंदी में भी बुक अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शनल कोर्सेज जो है फरवरी मंथ में लॉन्च हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं जो अलग अलग कोर्सेज हैं, हर कोर्स के लिए अलग टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं और हर कोर्स जो आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो आपको जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में आप उस कोर्स में जो है इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रा कॉम्बैट, अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको
ये एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीतने का मौका मिल सकता है, जैसे लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, फोन, स्मार्टफोन्स होंगे। और 1,000 लकी पार्टिसिपेंट्स कैन विन अमेजोन गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹5,000। और ये कॉम्बैट जो है 27 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा, तो आप इसमें ज़रूर इनरोल करें और आपकी यूपीएससी की तैयारी इससे बहुत अच्छे से होगी। और ये कॉम्बैट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में होगा, तो आप जो लैंग्वेज में इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। यह है हमारा पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश ने रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी लगा दी है? और ऑप्शन ए चीन, बी यूक्रेन, सी पाकिस्तान और डी जापान। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूक्रेन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलने के बाद यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वालोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने घुसपैठ किया है, यूक्रेन के एयर स्पेस स्पेस में रूसी विमान घुस गए हैं, रूसी सेना लगातार यूक्रेन बॉर्डर की ओर तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर दो, इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 2022 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? और ऑप्शन है ए 8.6%, बी 7.6%, सी 5.2% और डी 6.6%। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8.6%। इंडिया रेटिंग्स 2021-22 में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.6% रहने का अनुमान लगाया है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के चालू वित्त वर्ष के लिए जताए गए 9.2% के अनुमान से कम है। इंडिया रेटिंग्स के विश्लेषण के अनुसार एनएसओ 2021-22 के लिए जीडीपी 147.2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगा सकता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर तीन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? और ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी तमिलनाडु और डी राजस्थान। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने बजट में राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को अगले साल से दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों की जीपीएफ की सुविधा मिलती है। कर्मचारियों की पेंशन के लिए वेतन से कई कटौती नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर चार, भारतीय टीम की निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 250 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? और ऑप्शन है ए स्मृति मंधाना, बी ऋचा घोष, सी शेफाली वर्मा और डी दीप्ति शर्मा। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऋचा घोष। ऋचा घोष वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 500 मैचों की वनडे सीरीज 5 मैचों की वनडे सीरीज के चौथे मैच में ऋचा घोष ने केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड रुमेली धर के नाम था। रुमेली धर ने साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ 29 गेंद में अपनी पहली 50 पूरी की थी। वेदा कृष्णा मूर्ति ने साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ
32 गेंद में अर्ध शतक जड़ा था। तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5, कृषि नेटवर्क में किसी नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और ऑप्शन ए है आमिर खान, बी अजय देवगन, सी पंकज त्रिपाठी और डी टाइगर श्रॉफ। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी। एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाले कल्टीनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि इस ऐप तक किसानों तक पहुंच बनाई जा सके। ऐप वर्तमान में हिंदी, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध है और इसे जल्द ही अन्य भाषाओं में लॉन्च करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 6, 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए? और ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 7 और डी 3। सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 3। 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना को किसानों की आयु में वृद्धि करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया था। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपके कई सारे जवाब सही आए होंगे। तो आप इसी तरह से अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करते रहें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आपके जो भी सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका पूरी पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आपको अन अकेडमी के बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।